हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर, जहां पर एथेन नेटवर्क के बारे में हम बात करेंगे। कुछ नई अपडेट्स यहां पर डेफिनेटली आई हैं, साथ ही साथ कुछ सजेशन भी मैं आपको देने वाला हूं, खास करके P2P एक्सचेंज को लेके। तो वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखना गाइस, ताकि आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छे से समझनी है, यहां पर आपको गलती नहीं करनी है। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी मैं आपको दे दूँ कि एक एयरड्रॉप के बारे में हमने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, तो उसको आप जरूर से चेकआउट कर लेना, आपको एंड स्क्रीन पर भी वो नजर आ जाएगा। और साथ ही साथ मेरा नया टेलीग्राम चैनल हमने बनाया आप ही की डिमांड पर, तो आप उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर हम छोटी से छोटी अपडेट्स जो होंगी वो आपको रियल टाइम में दे पाएंगे। तो चलते हैं मेन पॉइंट पर। जैसा कि एथेन माइनिंग ऐप अगर हम देखें तो काफी लोग इसको यूज करते हैं, काफी बड़ा यूजर बेस इनका ऑलरेडी हो चुका है। क्वार्टर 2 में इन्होंने लॉन्च एथेन नेटवर्क मेननेट यहाँ पर रखा हुआ है एक स्टेप, जो कि कहीं ना कहीं आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर हो जाएगा, बिकॉज क्वार्टर 2 ऑलरेडी ऑन गोइंग है। तो यहाँ पर जो मेननेट है इसका ओपन मेननेट, वो कहीं ना कहीं हमें देखने को तो मिल जाएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को P2P एक्सचेंज को लेकर प्रॉब्लम आ रही थी। जैसा कि अगर हम P2P एक्सचेंज, जो कि हमने कई बार डिस्कस किया है वैसे तो इसके बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कि सबसे पहला जो कहीं ना कहीं हमें पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज अगर आप देखोगे जो ATS है, अगर उसके सेलिंग ऑर्डर या फिर बाइंग ऑर्डर अगर आप देखोगे, तो आपको यहाँ पर नजर आने वाला है कि काफी कम वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, कहीं ना कहीं 0.048 USDT, जैसा कि आप अगर लोवेस्ट भी देखोगे। और इसी तरह से, और आज से कुछ दिन पहले ये और भी ज्यादा डाउन थी, कुछ लोग यहाँ पर सेल भी कर रहे हैं। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा, अगर आप माइनिंग कर रहे हो और आप यहाँ पर सेल कर रहे हो, तो ये काफ़ी कम प्राइस पर आप सेल कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको वो सेल करने नहीं है। हालांकि यहाँ पर मैंने भी ट्राई किए हैं कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह, तो मेरा भी एक्सपीरियंस है, और काफ़ी यूजर्स जिनसे मैं डायरेक्टली बात वगैरह करता रहता हूँ, तो वहाँ पर उनका लॉस भी हो चुका है गाइस, क्योंकि कुछ लोगों ने थोड़े बहुत खरीदे भी थे, उनको उतने अमाउंट रिसीव नहीं हुआ जितना कि उनका ट्रांजेक्शन में उनको शो हो रहा था। और उनके कहने के, जैसे कि उन्होंने अगर 50 USDT का ऑर्डर किया है, तो उनको वैल्यू जो मिली है वो कहने के 20 USDT के बराबर मिली है। तो ऐसे भी सीन यहाँ पर बन रहे हैं। तो सबसे पहले P2P की अगर मैं बात करूँ, तो आप इसको फिलहाल उतना यूज ना करें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज खास करके सेलिंग तो ना करें। आप थोड़ी बहुत बाइंग बना सकते हो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड पड़ा है आपको $10-$20-$50 से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो आप थोड़े बहुत ATS यहाँ पर बाई कर सकते हो, बिकॉज ATS का प्राइस जो है वो काफ़ी कम है, यहाँ पर $1 में भी आपको काफ़ी सारे मिल रहे हैं। और इन्होंने बाकायदा बताया हुआ है अपने ट्वीट्स में, कई बार हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो इसकी लिस्टिंग प्राइस ये रखने वाली है ATS की मैं बात कर रहा हूँ, वो $5 या उससे ज़्यादा रह सकती है, तो ऐसा इन्होंने बोला है। अब हालांकि ये सच है या नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला तो ऐसा ही है। अगर हम मान के चले मिनिमम केस में भी, तो ये $1 से $2 रख सकते हैं या उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, तो उसके कंपेरिजन में अगर इस प्राइस को देखें तो ये काफ़ी कम है। तो इस बेसिस पर मैं आपको बोल रहा हूँ आप सेल तो यहां पर ना करें। दूसरी चीज गाइस जो सबको प्रॉब्लम आ रही है, जो एथेन माइनिंग ऐप है, वहां पर अभी नया अपडेट आया है, जैसे कि लॉन्च पैड ऑन गोइंग है, वहां पर लाइन कॉइन या फिर इसका जो खुद का लॉन्च पैड है, वहाँ पर और भी प्रोजेक्ट आएंगे, तो उनमें सेलिंग वगैरह उनको यूज़ नहीं कर पा रहे, एक्सेस नहीं कर पा रहे, खास करके वो लोग जिनका कहीं ना कहीं प्रीमियम भी उन्होंने बाय किया हुआ है। पहली बात तो जो इनके डायमंड गोल्ड प्रीमियम आ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है, मतलब अमीर हो आप, तो ही आप इसको करें, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बिकॉज एक आप KYC करें, सबसे मेन चीज़ वही है, उसके अलावा आप सबसे छोटा जैसे कि सिल्वर वाला जो, सॉरी ब्रॉन्ज वाला जो था, जो कि $3 में हमको मिल रहा था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने भी वो वाला जो प्रीमियम है वो खरीदा है। और साथ ही साथ आप अगर एक्स्ट्रा करना चाहें तो 20 ATH बर्न वाला जो बूस्टर है उसको भी आप ले सकते हैं, इतना काफ़ी है। लेकिन काफ़ी लोगों को जो KYC कंप्लीट कर चुके हैं, और साथ ही साथ उन्होंने एक बर्न बूस्टर भी लगाया था, और साथ ही साथ उन्होंने प्रीमियम भी खरीदा है, वो भी एक्सेस नहीं कर पा रहे। वो कुछ लोग जो कि सिर्फ KYC कर रखे हैं और उन्होंने कोई भी प्रीमियम या बर्निंग वगैरह नहीं किया है, ATH का बूस्टर वगैरह नहीं लिया है, लेकिन वो भी एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी अभी एथेन माइनिंग ऐप में चल रही है। तो मैं ज़्यादा आपको यही सजेशन दूंगा कि आपके जो लाइन कॉइन है आप उसको भी ट्रेड अभी ना करें तो बेटर होगा। साथ ही साथ कुछ टाइम दें इसको, क्योंकि ये नया प्लेटफॉर्म है। जैसा कि अगर P2P की भी बात करें, तो यहाँ पर थोड़ा रश ज़्यादा है और काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, खास करके लॉस वाली। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप में से किसी का भी थोड़ा बहुत भी लॉस हो, तो थोड़ा सा इसको आप में टाइम देते हैं। और साथ ही साथ कुछ लोग जो पूछ रहे थे कि यार पाई नेटवर्क यहाँ पर कब ट्रेड होना शुरू होगा, तो मैंने भी कई बार ये क्वेश्चन इनसे किया है, मैंने इनके सपोर्ट पर ईमेल भी किया था, तो इनका रिप्लाई है कि ये उस पर काम कर रहे हैं, अब काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया कि कब जाकर ये जो पाई है उसका ट्रेडिंग यहाँ पर शुरू करेंगे। हो सकता है इसमें हमें टाइम लग जाए, तो कहीं ना कहीं अभी कहीं ना कहीं ये खुद का जो ATH है या फिर लाइन या फिर अगर हम कहें जो जेम वाले का जो ट्रेडिंग हो रहा है उसको ये अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ज़्यादा उम्मीद यहाँ पर नहीं लगा सकते कि ये काफ़ी जल्दी कुछ बड़ा कर लेंगे। बिकॉज जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ATH है उसका प्राइस भी काफ़ी कम और जेम का अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है गाइज उनमें प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आ रही है, इसी वजह से मैं ये सजेशन आपको दे रहा हूँ। बाकी
बाकी एथेन पर ऐसा नहीं है कि मुझे ट्रस्ट नहीं है, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आपको रिकमेंड भी किया था, काफ़ी मेरे रेफरल्स हैं, तो इस वजह से जो कहीं ना कहीं एथेन है वो वैल्यू तो हमें अच्छी खासी दे सकता है, क्योंकि इनके पास फंडिंग बहुत ज़्यादा है गाइस, क्योंकि इनके प्रीमियम प्लान वगैरह इनसे, या फिर कहीं ना कहीं अगर हम प्रमोटर की भी बात करें तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर इसको प्रमोट करते हैं डेफिनेटली, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो फंडिंग है वो काफ़ी अच्छी खासी इसके पास हो सकती है, तो वैल्यू हमें बढ़िया मिल सकती है मेननेट के टाइम पर। लेकिन अगर आप अभी के टाइम पर अगर सेलिंग वगैरह का सोच रहे हो तो बिल्कुल मत करें, क्योंकि एक तो अगर वो फेल्ड हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो एक तो वो रिस्क है, दूसरी चीज़ कि वैल्यू भी काफ़ी कम मिल रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेल तो आप बिल्कुल मत करना। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ है तो आप थोड़ा सा एक्वायर कर सकते हो, थोड़ा सा खरीद सकते हो ATH की मैं बात कर रहा हूँ थोड़े बहुत, और बाकी पाई का जैसे शुरू होगा गाइस तो वो तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा ही, बिकॉज वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसको कहीं ना कहीं हम भी काफ़ी लंबे टाइम से देख रहे हैं, और उसको देखना इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज पाई की जो वैल्यू है वो भी हम ही लोगों पर डिपेंड करेगी, कम्युनिटी पर ही डिपेंड करेगी, तो हो सकता है उसकी वैल्यू अगर हमें ठीक ठाक मिल रही होगी सेटिस्फैक्टरी तो हम डेफिनेटली ट्रेड लगा के देखेंगे। सबसे पहले मैं लगा के देखूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप गाइस आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये भी पता चल गया होगा कि आपको क्या गलती नहीं करनी है, और अगर आपने अभी तक भी KYC नहीं की है तो सबसे पहले तो आप KYC करें। बाकी गाइस कल वाली वीडियो में हमने बताया था जिसमें DCA करना है या बाइंग करनी थी, क्योंकि वो अब रिकवर भी हो चुके हैं, तो जिन्होंने किया था तो उनको कांग्रेचुलेशन, बाकी जिन्होंने नहीं किया तो कोई बात नहीं, मार्केट तो काफी ऊपर जाना ही है, लेकिन थोड़ा बहुत वोलेटाइल जरूर रहेगा, बिकॉज हालविंग है, उसके अराउंड का जो टाइम होता है चाहे वो हालविंग के बाद वाला देख लें या पहले वाला, यहाँ पर हमें दोनों ही सीनेरियो में वोलेटिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो आई होप गाइज आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये समझ में आ गई होगी। टेलीग्राम चैनल आप मस्ट ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।